झारखंड का सिख भाईचारा स्थानक प्रशासन तो खफा है। कालियां पट्टियां बन अपनी नाराजगी जाहिर की गई, इंसाफ लिए गुहार लाई जा रही है और बेइंसाफी खिलाफ रोस जाहिर किया जा रहा है। असल में स्थानक सिख भाईचारा पुलिस वालों उगे सनतकार होटलियर राजीव दुग्गल की गिरफ्तारी तो खफा है। झारखंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुखी सरदार शैलेंद्र सिंह की अगुवाई में सिख भाईचारे के एक वफद वालों इस मुतलक डिप्टी कमिश्नर राजीव शंकर शुक्ला नाल मुलाकात की गई और इस मामले की निरपक्ष जांच मंगी गई है। सिख भाईचारे वालों इस मुतलक एक मंग पत्र भी डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया है। असल बिस्तुपुर के एक होटल चो पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। मामला लॉकडाउन के हुक्मों की उलंघना का सी। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत पांच जने गिरफ्तार किए सन, पर सिख भाईचारे का कहना है कि इस मामले में होटल मालक राजीव दुग्गल को बेवजह घड़ीसिया जा रहा है। इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं। दुग्गल स्थानक सिख भाईचारे में सन्मानयोग नाम हैं। अपनी मेहनत नाल उन्होंने व्यापार और सनअत के खेत्र च वड्डा नाम कमाया है। यह बड़ी मंदभागी गल है कि किसी होटल के अंदर हुई किसी गलत गतिविधि लिए होटल के मालक को ही गिरफ्तार कर लिया जाए। सिंह का कहना है कि राजीव दुग्गल वर्गे सनअतकार सूबे विच लखां लोकां नूं रुजगार दे रहे हैं, पर पुलिस जिस तरीके नाल उन्हां नूं हथकड़ी लगा जलील कर रही है वह झारखंड विचों किते होर शिफ्ट हो सकते हैं, जिसका नुकसान झारखंड नूं ही चलना पवेगा। उनका कहना है कि राजीव दुग्गल ईमानदार अते प्रतिष्ठावान शख्सियत हैं, उन्हां नूं बेवजह परेशान किया जा रहा है। समाज सेवी ने सुख दुख बच्चे समाज उन्होंने जी हमेशा भागीदारी रही है और उन्होंने जो कुछ अब बने ने उन्होंने अपनी मेहनत के बाद उत्ते उन्होंने फैक्ट्रिया बनाई ने। अज झारखंड के हजारों बेरो लोगों को जो इन्होंने रोजगार दिता, उसके अलावा जोड़ा है इन्होंने सरकार को जो झारखंड के विकास में करोड़ों रुपए जोड़ा है वो राजस्व देता है और समय समय से जो भी कोई लोड़ पई है हमेशा सहयोग रहा है। इन्होंने बारे एक साजिश के तहत कुछ लोग ऐसे ने हर जगह ने कि मेरा काम करते नहीं तो मैं तनवाह कर देंगे, ब्लैकमेलिंग करने वाले भया दुहन वाले जो लोग हैं कुछ ऐसे दो चार लोगों ने एक साजिश के तहत जिन्हें दुग्गल साहब गल नहीं सी मनी कि भाई वह होटल में जिस तरह उन्होंने तो बहुत बड़ा होटल है अलकोहर होटल वो भी आ दो कमरे सानू दे दो कर दो खाना फ्री कर दो योजना गल आम तौर पर होंदिया रही है तो वो थोड़ा जि वैसे कड़े मिजाज के ने तो यह सब चीज़ा उन्होंने चंगी नहीं लगदियाँ तो उन्होंने उन्होंने गल नहीं मनी है। इलेक्शन के टाइम जी सू पैसे दो इस सब जो तो उन्होंने काफ़ी ब्याह देने की कोशिश की, लेकिन वो जो है वो इस मामले झुके नहीं। वह नतीजा यह होया कि हूँ तो सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन है वो सारा होटल जरा टोटल बंद है हूँ उत्थे जिते जो कर्मचारी ने हूँ जो एडा वा जिन्हें होटल खोलिया वा तो कर्मचारी की ताला मार के नहीं चल जाएंगे उत्थे जोड़े आ उन्होंने अपनी रोटी भी बनानी है अपना खाना भी खाना है उत्थे ही उन्हें होटल से रेंगे ने हूँ इन्हों कोई फीडबैक जी है गलत उन्होंने लोगों ने दी साजिशकर्तावान ने और उत्थे जोड़े आ दो तीन आदमियों जो है अरेस्ट किया गया। मान लो एक मिनट वास्ते ये मन भी लीए कि वो दुग्गल साहब के नेरे में रख के उन्होंने मैनेजर आ कर्मचारी आ कुछ गलती की हुई तो वो दोषी जोड़े आते उन्होंने ना करो कि मैनेजर तक दोषी ठहरा या उन्होंने जो कर्मचारी आ उन्होंने दोषी ठहरा हूँ टाटा कंपनी एड्डी वड्डी कंपनी है तो वो कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई कहो मार दे तो टाटा कंपनी के मालक को थोड़ी अरेस्ट कर लो तो हाँ वही स्थिति हैगी है कि दुग्गल साहब जरा वा उन्होंने तो पता भी नहीं उन्होंने होटल की हो रहा की नहीं हो रहा उन्होंने कई बिजनेस है। हाँ जी साजिश के तहत जरा है उन्होंने जो है गिरफ्तार किया गया और ये जरा असी नहीं असी सारी दुनिया जी इतने की सारे चाहे वो पूरा सिख समाज हो जी बिल्डर एसोसीएशन हो जिन्हें होटल वाले इंडस्ट्री वाले सारे लोग आम जी पब्लिक है जिन्हों की चलते दुग्गल साहब से चलते जिन्हों की रोटी चलती है परिवार पलते हैं हजारों परिवार जो है पलते हैं तो उन्होंने ने जो है आवाज़ उठाई है और उसके तहत ही जो है असी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टाटा नगर के लीडरशिप के जो है ये असी जो है इतने आवाज़ जी है कल डी सी असी मिले हैं और जमशेदपुर के जोड़ा है काला दिवस भी असं मनाया हूँ वो अं डिप्टी कमिश्नर जो मिले हैं तो डिप्टी कमिश्नर ने अपने वालों सू है कि इतने हम जो एस पी साहब ने वो पुराने चले गए हम नवा आए हैं अजकल उन्होंने ज्वाइन करना तो वो आए ने हम उन्होंने कहा कि भाई मैं उन्होंने गल करके
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਆਏ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਹੈ, ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਕ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।